नमस्कार, राम राम। मैं आपकी अपनी मोनिका चौधरी और मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरी राम राम नमस्कार। और मेरे भाई आजाद नागर का यूट्यूब चैनल है नागर कैसेट के नाम से, तो आप यूट्यूब चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो। और आप सभी को इस पर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियो और रागनी प्रोग्राम सभी सुनने को मिलेंगे। एंड सेकेंडली मैं आप सबसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आप कोरोना में एक दूसरे का ख्याल रखिए, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है, इसमें हम अपना साफ सफाई का, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे तो शायद पूरे इंडिया का ध्यान रखेंगे। तो मेरा तो आप सबसे यही कहना है कि आप सब अपना ध्यान रखो, अपने आसपास अगर आपको कोई लगे कि कोई गरीब है, लाचार है और उसको प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पा रहा है, वो भूखा सो रहा है, तो एक इंसानियत के तौर पे आप उनको, उनकी मदद करें, उन्हें खाना खिलवाएं जितने लोग आपके आसपास दिखे। और अगर आप मदद नहीं कर सकते तो बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं अभी आगे आके इस चीज़ में, तो आप सब भी लोगों की मदद कीजिए, लोगों की हेल्प करो कि अगर आप खुद नहीं कर सकते तो उनको, उन लोगों तक पहुंचाओ जो दूसरों को खाना खिला रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, तो आप भी वहां तक उस लेवल पे मदद कर सकते हो। तो मैं तो आप सबसे यही कहूंगी हाथ जोड़ के कि आप सब अभी इंसानियत दिखाइए, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति और किसी भी कास्ट से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक इंसान हैं और इंसान का पहला कर्तव्य होता है इंसानियत। तो आप अपना पहला कर्तव्य निभाओ, बाकी सब आप बाद में देखना, जो भी अधर्म वर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो उनसे तो मैं हाथ जोड़ के कहूंगी कि भाई अभी तो आप फिलहाल सिर्फ और सिर्फ आप एक दूसरे की मदद करो और इंसानियत दिखाइए। और सेकंड बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर पे मैंने सुना भी है, देखा तो मैंने नहीं है कि मैं झूठ बोल दूं, मैंने सुना है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि जो चीज़ 100 में मिल रही है उसको 500 कर दी, 500 से 600 कर दी। बहुत सारे अपने जनरल स्टोर हो गए, परचून की दुकान हो गई, बहुत सारे हैं। तो मेरे उनसे भी हाथ जोड़ के अपील है कि आप सब भी ऐसा ना करो। आप देखो दुनिया की क्या हो रखा है, क्या हाल हो रखा है, तो आप सपोर्ट करो इस चीज़ में, ठीक है जी। आप मत करो ये चीज़, अंबानी तो पूरी ज़िंदगी बन जाओगे आप, तो आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। एंड थैंक यू मेरी इतनी सारी बात सुनने के लिए और समझने के लिए। और मैं गुजारिश यही करूँगी कि आप इन सब बातों को फॉलो भी करो, मानो भी। और आप सब दुकान वालों से भी मेरी हाथ जोड़ के एक ही अपील है कि आप सब ये छोटी छोटी चीज़ें महंगे रेटों में मत दो, क्योंकि बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो प्रॉपर तरीके से उन्हें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, खाना पीना या कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप जो रेट आपके पहले थे आप वही रेट रखिए, आप मत करिए ऐसा कुछ जिससे आने वाले टाइम में, आज आप बेच दोगे जितने में जो चीज़ आ रही है उससे ज़्यादा लेवल पे बेच भी दोगे तो आने वाले टाइम में आपको फिर वहीं आना है। तो आप ऐसा काम ना करो कि आने वाले टाइम में आप कुछ भी गलत अब कर दो, उसका रिजल्ट आपको बाद में भुगतना पड़े। तो आप मत करो कोई ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम सब एक है, परिवार एक है, फैमिली एक है और इंडिया भी एक ही है। तो एक दूसरे का साथ दीजिए और एक दूसरे की मदद करिए। और बाय बाय एंड थैंक यू मुझे सुनने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर एंड जरूर करें। बाय बाय।